हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। आज की क्लास में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक साथ सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास टुडे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली वो फोर्स है, इट इज अ फोर्स दैट होल्ड्स टू एटम्स टू फॉर्म अ न्यू, सॉरी यहाँ पे फॉर्म आएगा, फॉर्म अ न्यू एंटिटी इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी कि कोई भी एक नई एंटिटी, यानी कि कोई भी एक नया कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, उसके एटम्स को जो फोर्स होल्ड करके रखती है, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड सुना है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी कैसा होता है कि दो लोग आपस में उनकी जो फोर्स है, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो ऐसे ही एटम्स के बीच में जो फ्रेंडशिप है, उनका जो बॉन्ड है, ठीक है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। इंसानों की बॉन्डिंग को फ्रेंडशिप बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही एटम्स की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। और ये जो केमिकल बॉन्ड है, इट्स अ लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट एनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। यानी कि लास्टिंग अट्रैक्शन का मतलब है कि ये अट्रैक्शन जो बॉन्ड्स, जो एटम्स और आयंस के बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स होल्ड करके रख रही है, ठीक है, नए कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, वो एक लास्टिंग अट्रैक्शन होती है। लास्टिंग मतलब कि ये तब तक चलती रहती है जब तक कोई इसे एक्सटर्नल फोर्स के साथ ब्रेक ना करें, ठीक है। फ्रेंडशिप बॉन्ड में भी ऐसा ही है, ठीक है, तब तक हम फ्रेंड्स रहते हैं जब तक कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। सिमिलरली केमिकल बॉन्ड में भी जो अट्रैक्शन है वो तब तक चलती है जब तक थर्ड पर्सन या एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा के उसको तोड़ा ना जाए। तो इसकी जो अट्रैक्शन होती है जो वो लास्टिंग होती है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड्स में भी काफ़ी एक वेरिएबल आती है, ठीक है। इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी आते हैं जिनको प्राइमरी बॉन्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कि इनके अंदर का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और वीक बॉन्ड्स भी आते हैं जिनका एग्जाम्पल है NaCl। NaCl को अगर बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बॉन्ड्स बेसिकली वो बॉन्ड्स जिनके अंदर की जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और वीक बॉन्ड्स की जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। अब जो बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो बॉन्ड है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, देन इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड आता है कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड, ठीक है। अब हम एक एक करके इन बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड तब बनता है जब कोई भी एक एटम, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। जब उसका जो शेल है उसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके पास जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब दूसरे एटम को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। कैसे? जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर इज 11, इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन है वो है 2, 8 एंड 1, एंड क्लोरीन इज 17, इसका एटॉमिक नंबर इज 17, इसकी इलेक्ट्रोवेलेंट कॉन्फिग्रेशन इज 2, 8 एंड 7। यानी कि जो सोडियम है उसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, ठीक है, और इसके पास लास्ट वैलेंस शेल में कितने हैं? सॉरी 7, ठीक है। इट मीन्स इसके पास ये 1 एक्स्ट्रा है। अब कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं, ठीक है, तो रादर क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। अब जो क्लोरीन है उसके लास्ट में 7 है, उसको अपने ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन है वो 2, 8, 8 हो जाए, ठीक है। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसको एक चाहिए, तो
तो ये अपना जो एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली क्लोरीन एटम को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस वे में क्या होता है कि जो दोनों गैसेस हैं, ठीक है, जो सोडियम है क्लोरीन है, ये दोनों अपनी ऑक्टेट स्टेट जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसके भी 2 8, लास्ट में 8 हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, और इसमें भी कितने, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 8 8, यानी कि दोनों की जो ऑक्टेट स्टेट है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इस वे में, ठीक है, ये जो एटम है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बन जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। अब इसने गेन किया है तो इसमें क्या चार्ज बन जाता है, नेगेटिव, जिसे क्या बोलते हैं, अनायन, ठीक है। तो दस एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड द एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले है लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन का मतलब है कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो जो उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, जितनी भी उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी कि उसको जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द टू एटम्स फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी सो दैट इट कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म द कैटायन, यानी कि उसको कम डिफिकल्टी फेस करनी चाहिए ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली लूज कर सके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कि जो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वही है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, जितनी उसको एनर्जी रिक्वायर होगी उतनी ही उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, तो ठीक है, जितनी उसको एनर्जी कम रिक्वायरमेंट हो उतना ही बेटर होगा, ठीक है, वो उतना ही ईजिली जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकेगा। नेक्स्ट आता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, वो बहुत इजीली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि उसको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी चाहिए कि उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। तो व्हेन एन अदर एटम विच इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो दैट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द फर्स्ट एटम इज रेडिली एक्सेप्टेड बाय द सेकेंड एटम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यह था सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम अपना एटम लूज कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसमें लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि इसको कम डिफिकल्टी फेस करनी चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसने जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो इसके अंदर हाई एफिनिटी होनी चाहिए, यानी कि वो उस जो लूज इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम का ट्रांसफर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको बहुत इजिली जो वो एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लार्जर कैटायन होना चाहिए एंड स्मॉलर शुड बी दी अनायन, ठीक है। एंड लास्ट आता है इसमें हाई लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी इज द एस्टिमेट ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो उसके अंदर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जब भी जो गैशेस फॉर्म से जो आयन्स बन के क्रिस्टल फॉर्म्स में बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, दैट इज लैटिस एनर्जी, और इसके अंदर के जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी बन रही है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर। आयनिक बॉन्ड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, वो है पहली की सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर, ठीक है, यानी कि ये वाटर में बहुत ईजिली जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे NaCl का, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ये बहुत ही इजिली जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एंड दे आर ब्रिटल एंड दे ब्रेक इन टू पीसेज ईजिली, यानी कि जो इनके जो
क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ब्रिटल होते हैं, वीक होते हैं, और बहुत इजीली जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो एक्वस सोल्यूशन है अगर उनमें जैसे वाटर लिया है, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी कि इनमें जो आग नहीं लग सकती, दे कांट कैच फायर। दे आर नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर ये नॉर्मल एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उन पर ये इवेपोरेट होके गैशेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लास्ट इज दे फॉर्म क्रिस्टल, ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट को अगर नमक को देखा जाए तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये उसकी जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली तब बनता है जब कोई एटम ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना ही वो लूज करते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं, ठीक है, यानी कि ना ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, दे म्यूचुअली शेयर द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है, अब क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इज 287। अब क्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, ठीक है। सिमिलरली एक और क्लोरीन एटम ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें भी एक इसको भी अब इस क्लोरीन एटम को भी कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस क्लोरीन एटम को भी कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसमें सब ये भी नहीं है कि ये एक एटम इसमें शेयर गिव कर दे, और ये भी नहीं दे सकता इस एटम को, तो बेसिकली क्या करते हैं ये म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक क्लोरीन एटम जो है वो कंप्लीट अपनी ऑक्टेट स्टेट में आ जाता है, एंड सिमिलरली ये वाला क्लोरीन एटम भी अपने आप को कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट में ला पाता है, यानी कि दोनों के जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों में एट एट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन भी जो है वो म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड लगा है, इन पेयर्स को शेयर्ड पेयर्स भी बोलते हैं और इनको बॉन्डिंग पेयर्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे क्लोरीन हो गया कि इसमें सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो होता है वो डबल दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको शेयर किया जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर इज 16, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इज 2, 8 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसको दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी इसके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करेगा, तो टोटल मिलके इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि दोनों ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्टेट स्टेट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो म्यूचुअली शेयर किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कि स्मॉलर द साइज हायर इज द कोवेलेंस, यानी कि जितना छोटा साइज होगा वो उतने ही इजिली जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, और उतने ही ज्यादा इजिली कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, यानी कि दोनों का जो वो चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स की।
नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कंबाइनिंग एटम्स की, जो दो नॉन मेटल्स एक दूसरे से कोवरेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है इसमें कि हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि वो एनर्जी जो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जिसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, ठीक है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो इसमें जो नॉन मेटल्स लिए जाते हैं उनमें हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो रादर देन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर लेता है, ठीक है। जो इसलिए जो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हाई होती है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन वो म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं वो बहुत ईजिली शेयर कर रहे हैं, यानी कि उसमें जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, यानी कि बहुत ईजिली बॉयल या मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इनसॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि पानी के अंदर वो डिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, एसीटोन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें वो इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। दे आर सॉफ्ट और ब्रिटल, यानी कि वो सॉफ्ट होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, इस बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि जो पहला एटम है वो ही सारी कंट्रीब्यूशन करता है बॉन्ड बनाने के लिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने हैं वो जो फर्स्ट एटम है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा एटम है द अदर एटम, यानी कि जो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है शेयर कर रहा है वो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों एटम्स जो हैं वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो सिर्फ फर्स्ट एटम है वही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, ठीक है, और जो दूसरा एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है, इट डजेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप को बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड जब वाटर में हाइड्रोजन एटम को ऐड किया जाता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब वाटर का स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन इज टू एटम्स, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन में 1 एंड 1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, दोनों जो हैं ये म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की दोनों की ड्यूप्लेट स्टेट कंप्लीट होगी, यानी कि इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ये स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन में देखो, काउंट किया जाए तो 1 2 3 4, दूसरा कलर पेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्सीजन में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 है, यानी कि ऑक्सीजन का भी जो ऑक्टेट स्टेट है वो हो गया है, बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक हाइड्रोजन एटम और ऐड कर दिया जाए तो अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल इस एटम के चार्ज को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अगर इसमें अब हाइड्रोजन में एक सिंगल एटम होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लेकिन अब जो ये है कि अगर इसमें से, अब देखो, अगर म्यूचुअल शेयरिंग की जाए 1 और 1, इसमें जो ये म्यूचुअल शेयरिंग की जाए तो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन में 9 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, जो कि गलत है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन 9 की 9 इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबल नहीं होता है, तो रादर देन वो उसके साथ म्यूचुअल शेयर कर रहा है, वो पूरे अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देता है, और हाइड्रोजन कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रही है, ठीक है।
तो यानी कि जो फर्स्ट एटम है वही पूरी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। जो सेकंड एटम है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहे हैं कि सिर्फ एक ही एटम शेयरिंग कर रहा है, दूसरा एटम शेयर नहीं कर रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है कि इनमें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम, जैसे मैं हर टाइम बोलती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार उसका आंसर खुद से जरूर ट्राई कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आज की क्लास में आपको कितना टॉपिक जो है वो समझ में आया है। एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल टू अनदर वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। यानी कि वो बॉन्ड जिसमें कंप्लीटली एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, और इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द आंसर इज इट इज कॉल्ड बी, आयोनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज नोन एज। जब म्यूचुअल शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इट इज नोन एज सी, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये जो टॉपिक है डायरेक्ट आज की क्लास में कवर अप नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में पता है, एलिमेंट नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, इट इज ए फ्लोरिन, बी क्लोरिन, सी ब्रोमाइन, और इट्स डी नन ऑफ द अबव। The answer is it is A, fluorine. Thank you for watching and do like, share and subscribe our channel.